हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि MySQL में अगर कोई डेटाबेस बना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास कौन सा डेटाबेस है, तो यहां पर MySQL का वर्कबेंच मैं ओपन करूंगा और इसी पर आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा लोकल होस्ट है और रूट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। तो अभी आ जाते हैं सीधा और यहाँ से 100 डेटाबेसेस चला लेते हैं। तो यहाँ पर 100 डेटाबेसेस जैसे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस 100 होंगे। हमें उसमें से स्टूडेंट डी को यूज करना है, तो यूज कर लेंगे हम स्टूडेंट डी। तो ये स्टूडेंट डी यूज किया हमने। अब इसमें टेबल कौन कौन से बने हैं, इसके लिए शो टेबल्स करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स इसके अंदर बने हुए हैं। तो एक टेबल है जिसको हम यूज करने वाले हैं, उसका नाम है स्टूडेंट बी, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस कोड, नेम और एज, ये रिकॉर्ड जो है इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। और इसमें हम ड्रॉप करवाएंगे, और ड्रॉप यहां से नहीं करवाएंगे, MySQL के माध्यम से हम करवाएंगे और पाइथन के ऊपर ड्रॉप करवाएंगे। यानी कोड हम पाइथन पर लिखेंगे, ड्रॉप MySQL पर होगा। तो अभी आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा है, इसमें एज आपको दिखाई पड़ रहा है, हम एज को ड्रॉप करा देते हैं। कैसे ड्रॉप कराएंगे, क्या कोड होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम कनेक्टर, जो MySQL का कनेक्टर है, उसको यूज करके ये ड्रॉप करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे import, इंपोर्ट, और फिर क्या लिखेंगे, MySQL, MySQL डॉट कनेक्टर, CONNECTOR, MySQL डॉट कनेक्टर एज CD, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें D लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, और अब यहां पर क्या करेंगे, कॉन इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, अब चूंकि हमने डी लिया है तो डी डॉट, यहां पे डॉट लगाएंगे और फिर क्या देंगे, डी डॉट कनेक्ट, कनेक्ट करवाएंगे इसको, ठीक है। तो ये लिखा कनेक्ट और फिर यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। अभी मैंने आपको दिखाया होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, LOCALHOST, तो ऐसे करके आप लिख दीजिएगा इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और इसको बंद कर दीजिएगा डॉटेड कॉमा को, और डॉटेड कॉमा को बंद करने के बाद यहां पर कॉमा लगा दीजिएगा और एंटर करिएगा। जैसे एंटर करते हैं तो यूजर कौन है, तो यहाँ पे यूजर हमारा रूट है, तो यूजर इज इक्वल टू रूट लिखिएगा, ROOT, ठीक है। और ये भी डॉटेड कॉमा में रहेगा, ROOT, तो ये रूट हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि ROOT ही लिखिएगा, आपके में भी रूट ही होगा, ठीक है। फिर कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आएगा, तो पासवर्ड के लिए PASSWD लिखिएगा, क्या लिखिएगा, PASSWD, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड हमारा जो भी होगा MySQL का, आपके केस में जो है वो दे दीजिएगा, मेरा जो है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड है, ये हमने एंटर करा, और इसके बाद डॉटेड कॉमा को क्लोज करेंगे, और डॉटेड कॉमा को क्लोज करके और फिर कॉमा लगाएंगे नीचे, और फिर आते हैं डाटाबेस पर। तो डाटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं उसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो डाटाबेस इज इक्वल टू, और ये भी डॉटेड कॉमा के अंदर ही डाटाबेस का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि डाटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आते हैं ऊपर, और देखिए यहां पर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं स्टूडेंट डी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट डी, तो इसी को हमने यूज किया है, तो इसी को हम वहां पे रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पाइथन वाले कोड विंडो पर, और यहां पर स्टूडेंट डी एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस भी हो गया स्टूडेंट डी नाम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये क्लोज कर दिया हमने इसे, यानी ब्रैकेट वो क्लोज हो गया जो हमने ओपन करा था, ठीक है। तो ये क्लोज कर दिया, क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे, तो जैसे ही नीचे आएंगे तो कर्सर यहां पर बनाएंगे। तो ये लिखा कर्सर इज इक्वल टू, अब कर्सर के अंदर ही चीजें स्टोर होंगी, कॉन डॉट, ठीक है। और यहां लिखेंगे कर्सर, अब ये कर्सर जो है फंक्शन है, तो ये कर्सर हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप क्या करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर क्वेरी बनाएंगे, तो QUERY क्वेरी लिखेंगे, और क्वेरी इज इक्वल टू यहां पे क्या देंगे, अल्टर, ALTER अल्टर, और यहां पे टेबल देंगे, TABLE टेबल, और टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम आइए चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है वही टेबल का नाम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट बी है, यहां पे देख सकते हैं ये टेबल का नाम है स्टूडेंट बी, ठीक है। तो यही टेबल का नाम हमें वहां पर देना है, यानी पाइथन वाले कोड विंडो पर देना है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट बी, तो ये हो गया स्टूडेंट बी। और अब क्या करना है, यहां पे ड्रॉप कराना है, तो यहां पे ड्रॉप करा देते हैं, DROP ड्रॉप, और किसको ड्रॉप कराएंगे, तो कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, अभी मैंने दिखाया आपको, एक बार फिर से देखते हैं, कॉलम का नाम क्या है, एज है, AGE, देख सकते हैं ये एज, और ये कैपिटल में लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिएगा, आपके में जो ड्रॉप कराना हो उसको वैसे ही लिख दीजिएगा जैसे कि वो लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे एज को ड्रॉप कराना है, ड्रॉप कॉलम एज लिखा मैंने,
और यहां पर अब डॉटेड कॉमा को क्लोज कर देंगे इस तरीके से और अब एंटर कर देंगे। अब यहां पर क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करना होगा तो यहां पर लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये लिख दिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और किसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्वेरी हो गई, एंटर किया। अब यहां पे लगाएंगे कॉन डॉट कमिट, कमिट जो स्टेटमेंट है, कमिट जो MySQL में होता है क्या बोलते हैं कमांड होता है, कमिट कमिट कमांड, तो वो कमिट कमांड लगा दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहां पे लिख देता हूं प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये हमने इस तरीके से दे दिया तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमारा डेटा सक्सेसफुली जो है अपडेट हो गया है या तमाम चीजें हो गई है, ये हमको पता भी चलता रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉन को क्लोज करेंगे, तो कॉन डॉट सी एल ओ एस ई क्लोज कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको चलाएंगे तो F5 करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप चाहे तो ये हमने कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड आ गया है, यानी कि एज वाला जो कॉलम था अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा MySQL पर। तो यही था हमारा ना, अभी तो दिख रहा है, आप कहेंगे अभी तो दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ से आप जब सेलेक्ट करेंगे इसको ना और चलाएंगे तो देखिए इसमें एज वाला कॉलम गायब मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी और इसमें का एक क्वेश्चन जरूर आता है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।